मैं रिपोर्टर कविश पूर्विया। आज यहाँ कुछ मजदूर यहाँ पे खड़े हैं, मैं आज इनका इंटरव्यू लूंगा और मैं देखना चाहूंगा ये मजदूर क्या बोलते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ दिन भर काम करते हो, उन पैसों से आपका गुजारा हो जाता है क्या? आपका क्या नाम है? मंगरू। अच्छा मंगरू, आपका क्या मसला है? तो तसले का मैं क्या करूं? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ काम दिलवाने खड़ा हूँ? तो हम क्या यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं? तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? मैंने क्या बोल दिया अभी ऐसा? तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? नहीं, मेरे पास तमीज नहीं, मेरे पास तो मजदूर वाली कमीज है। वही जुबान पर बात कर रहे हो आप? मेरे वाला थोड़ी ना हो कि पैसे लेकर जुबान बदल दूंगा। इसी कड़वी जुबान से आप मजदूरी रह गए हो। अच्छा ये सब बात छोड़िए, आप यहाँ क्यों रहते हो? आपका क्या कोई घर नहीं है क्या? जी मेरा घर तो है, लेकिन मैं घर छोड़कर ना भाग गया। आप घर छोड़ के क्यों भागे मुझे खुल के बताइए, ऐसी क्या नौबत आ गई आप घर छोड़ के भाग गए? मैं पिछले 3 साल से बेरोजगार था, घर वालों के ऊपर बोझ था और पापा के टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए उन्होंने गुस्से में ना घर से बाहर निकाल दिया। आप मेरी बात मानो तो वापिस घर चले जाओ, एक जगह रहते हो तो ऊंच नीच होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना आप घर छोड़ के भाग जाओ। अब मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मेरे पापा ही मुझको ढूंढते हुए आएंगे। पापा क्यों ढूंढते हुए आएंगे? पापा ने ही तो घर से बाहर निकाला है। उन्हीं के तो घर के कागज लेके भागा हूँ। क्या? हाँ क्यों लड़ा वरना? क्या जी।
आवाज ही नहीं आ रही, न तो तालियां बज रही फलासिया वालों से, न आवाज आ रही, खाली सब लोग खाने में व्यस्त है ऐसा लग रहा है। भारत माता की जय। इधर गुंजनी जोर से जय कर रही है बस। भारत माता की जय। आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे फलासिया के और आसपास के क्षेत्र के सभी अभिभावक गण, जीनियस किड्स विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और उनकी पूरी टीम, और साथ में आज इस कार्यक्रम की शोभा, जैसे गुंजन कह रही थी कि मैं बढ़ा रहा हूं, ये ठीक बात नहीं है। इस कार्यक्रम की शोभा तो आप बढ़ा रहे हैं और ये बच्चे बढ़ा रहे हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। छोटे हैं लेकिन हौसला बहुत प्रखर दिख रहा है इनके भीतर, और इनकी एक अपनी दुनिया है, और उस दुनिया में सुरेश जी ने ठीक ठाक प्रवेश कर लिया है। पत्थर मूरत बन गया, और एक पत्थर जिसने चोट प्रहार सहन नहीं करने की ठान ली, वो पत्थर पत्थर ही रह गया, और उसके ऊपर नारियल वधारे जा रहे। तो है तो पत्थर, लेकिन एक पत्थर ने सहन कर ली। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाना है, संस्कार देना है। दसवां ग्रह आप सबको बर्बाद कर रहा है, हमको भी और बच्चों को भी। अब दसवां ग्रह कौन सा है पता है आप?